हमारे पड़ोसी देश चीन में शादियों की ऐसी ऐसी परंपरा है जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन के सिचुआन में होने वाली दुल्हन को शादी से एक महीना पहले रोजाना एक घंटे रोना पड़ता है। यहाँ रोने का काम भी डिवाइड किया जाता है। महीने के पहले 10 दिन दुल्हन की माँ, अगले 10 दिन दादी और उसके अगले 10 दिन परिवार की सभी महिलाएं मिलकर दुल्हन के साथ रोती हैं। इस रस्म को जियोटांग कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से दुल्हन का वैवाहिक जीवन खुशियों से गुलजार रहता है। नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी साउथ कोरिया में शादी समारोह में जो रस्में निभाई जाती हैं, अगर ये रस्में भारत में होती तो कई दूल्हे राजा तो शादी के नाम से ही भाग जाते, क्योंकि साउथ कोरिया में शादी के समय एक अजीब परंपरा निभाई जाती है। यहाँ दुल्हन को घर ले जाने से पहले दूल्हे को अपने जूते निकालने पड़ते हैं, जिसके बाद उसकी टांगों को रस्सी से बांधा जाता है। इसके बाद दूल्हे के दोस्त बारी बारी से उसके पैरों को छड़ी या सूखी मछली से पीटते हैं, जिसे सजा से ज्यादा मनोरंजन माना जाता है। ये परंपरा मूल रूप से दूल्हे की ताकत को परखने के लिए की जाती है। यही नहीं, दूल्हे की पिटाई के दौरान दुल्हन के परिवार वाले लगातार उससे सवाल करते हैं ताकि उसके चरित्र की पहचान की जा सके। कहा यह भी जाता है कि इस दौरान दूल्हे की सास को कुछ पैसे देने पड़ते हैं ताकि दूल्हे की पिटाई बंद हो सके, और जब तक सास पैसे नहीं देती दूल्हे की पिटाई चालू रहती है। इंडोनेशिया में शादी की परंपरा बेहद हैरान करने वाली है। बाली में शादी से पहले दंपति को अपने 2 दांत घिसवाने पड़ते हैं। और इसके बाद अपनी लार को नारियल के छोटे से टुकड़े में लगाना होता है। पारंपरिक मान्यताओं के देश इंडोनेशिया में माना जाता है कि दांत घिसवाने से बुरी ताकतें जड़ से दूर हो जाती हैं। इंडोनेशिया के लोग इस परंपरा को बेहद गंभीरता से लेते हैं और बाली के अंदर लोग शादी से बड़े पैमाने पर अपने दांत भी घिसवाते नजर आए। जर्मनी में नवविवाहितों को आशीर्वाद देने का अपना एक अनोखा तरीका है। जर्मनी में शादी के दिन सभी मेहमान दुल्हन के घर पर मिलते हैं, जहां खाना खाने के बाद क्रॉकरी तोड़ने की रस्म की जाती है। इस परंपरा को दूल्हा दुल्हन की अच्छी किस्मत के लिए किया जाता है। जर्मनी में निभाई जाने वाली इस परंपरा को पोल्टर बेंट कहते हैं। यही नहीं, इसके बाद नवविवाहित जोड़े को मिलकर उन चीनी मिट्टी के बर्तनों का ढेर साफ करना पड़ता है जो शादी में शामिल होने वाले लोगों ने तोड़े हैं। जर्मनी में मान्यता है कि इससे बुरी आत्माएं नए नवेले जोड़े से दूर रहती हैं। इन बर्तनों को मेहमान बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए भी जमीन पर फेंकते हैं। स्कॉटलैंड में शादी के दौरान जो रिवाज निभाए जाते हैं वो तो और भी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ किसी का शादी करना किसी सजा से कम नहीं है। यहाँ दूल्हा दुल्हन का हाल इतना बुरा कर दिया जाता है कि शायद ही इसकी उम्मीद आपको होगी। यहाँ शादी से पहले ब्लैकनिंग द ब्राइड एंड ग्रूम नाम की एक रस्म निभाई जाती है। इसमें जोड़े पर सड़े अंडे, खराब दूध और कई गंदी चीजें फेंकी जाती हैं। इसके अलावा उन्हें कचरे से पूरी तरह कवर कर दिया जाता है। लेकिन ये परंपरा यहीं खत्म नहीं होती। दूल्हे को इसी हाल में पूरा शहर घुमाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे शादीशुदा जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव की अच्छी तैयारी हो जाती है। बुल्गारिया के साउथ वेस्ट के रिबनोवो में होने वाली शादियां आज भी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। यहां की पोमा मुस्लिम कम्युनिटी में दुल्हन के लिए बेहद अलग रस्म है, जिसे जलीना कहते हैं। शादी के दिन दुल्हन पूरे फेस पर सफेद मेकअप लगाती है। उसका चेहरा मोटी सफेद परत से ढका होता है, जिसे रंग बिरंगे सितारों से सजाया जाता है। दुल्हन अपनी ही शादी में तब तक आंखें नहीं खोल सकती जब तक इमाम उन्हें आशीर्वाद न दे दे। दुनिया नॉर्थ कोरिया को इसलिए जानती है क्योंकि वहां सन की दानाशाह किम जोंग उन रहता है, जिससे सिर्फ अमेरिका को ही नहीं पूरी दुनिया को खतरा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की पहचान और भी है। अब भला अजीब शादियों की बात हो और नॉर्थ कोरिया का नाम ना आए, ये कैसे संभव है? यहाँ दुल्हन अपनी शादी में कोरिया की पारंपरिक वेशभूषा हैंगबॉक में नजर आती है, तो दूल्हा सूट या सेना की वर्दी में नजर आता है।
ये तस्वीरें आलीशान जिंदगी जीने वाले शेखों के देश सऊदी अरबिया की है। ये शादी के दिन सऊदी अरब में होने वाला ट्रेडिशनल डांस है। इस डांस और फायरिंग के मिश्रण को कश्मीर कहते हैं। ये एक ट्राइबल ट्रेडिशन है जो सालों से चलता आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि डांस के साथ कई लोग नाचते दिख रहे हैं और जैसे ही वे जंप करते हैं तो जमीन की तरफ फायरिंग की जाती है। केन्या की यह रस्म बाकी सारी रस्मों से जरा हटकर है। ऐसे रीति रिवाज के बारे में तो ना के बराबर ही लोग जानते होंगे। दरअसल यहाँ पर लोग दुल्हन के सिर पर थूकते हैं। इस दौरान सलाह दी जाती है कि लड़की पीछे मुड़कर ना देखे और अपने पति के साथ चली जाए। हाई तकनीक में सबसे अव्वल देशों में से एक जापान, जहां शादी समारोह के दौरान अजीब सी रस्में निभाई जाती हैं। यहां जापानी दुल्हन अपनी शादी के दिन शिंटो समारोह मनाती है, जिसके लिए उसे सर से लेकर पैर तक सफेद रंग के कपड़े पहनने होते हैं। यहां तक कि उसे अपने मेकअप को भी सफेद रखना पड़ता है। आपने शायद किसी दिन फिजी जाने का सपना देखा होगा, तो उन खूबसूरत समुद्र तटों पर जाना और घूमना चाहेंगे, लेकिन क्या आपने कभी इन खूबसूरत द्वीपों की संस्कृति के बारे में जाना है? फिजी के कुछ अनोखे रीति रिवाज हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फिजी में पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने होने वाले ससुर से शादी में दुल्हन के हाथ के लिए पूछे। हालांकि फिजी में पिता के लिए भी कुछ और करने की जरूरत है। लड़के से लड़की के लिए उपहार के रूप में वेल के दांत लाने की भी उम्मीद लगाई जाती है। शादी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक, लेकिन किर्गिस्तान की लड़कियों के लिए ये किसी सजा से कम नहीं है। शादी से जुड़ी बड़ी ही अजीबोगरीब परंपरा इस देश में निभाई जाती है, जिसे अला कचू कहा जाता है। इस परंपरा में लड़के अपने पसंद की लड़की का अपहरण कर लेते हैं और घर लाकर उसे शादी के लिए मनाते हैं या फिर रेप करते हैं। जब कोई लड़का किसी लड़की को किडनैप कर घर ले जाता है तो उसके घर वाले शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। डिनर डेट, साथ में खाना बनाना, वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट, किसी भी रिश्ते के सबसे अच्छे हिस्से में खाना शामिल होता है। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है स्कॉटलैंड का पड़ोसी वेल्स। यहाँ शादी के लिए एक अलग परंपरा है। वेल्स में दूल्हा अपने दुल्हन को उपहार के रूप में लकड़ी का चम्मच देता है, जो कि एक परंपरा का हिस्सा है। इसका मतलब होता है कि वो उसे कभी भूखा नहीं रहने देगा। वैसे तो आमतौर पर अमेरिकी शादियों में फोर फ्लोर का केक, सफेद गाउन में दुल्हन, ब्लैक कोट में दूल्हे नजर आते हैं। शादियां बेहद शानदार होती हैं, जमकर डांस होता है और इस विकसित देश की शादियां भी बेहद शाही होती हैं। लेकिन यहां भी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। उदाहरण के तौर पर साउथ अमेरिका में एक ऐसी परंपरा है जो सैकड़ों साल पहले शुरू हुई थी, जिसमें दूल्हा दुल्हन झाड़ू के ऊपर कूदते नजर आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शादी के माहौल के बीच ये मुर्गियां आपके स्क्रीन पर क्या कर रही हैं? दरअसल चीन के एक खास समुदाय में शादी से पहले ये मुर्गियां भी बेहद खास रोल निभाती हैं। इन मुर्गियों के चूजों पर ही इस खास समुदाय की शादी निर्भर करती है। चीन की एक खास कम्युनिटी शादी की तारीख तय करने के लिए मुर्गियों के चूजों का इस्तेमाल करती है। दूल्हे और दुल्हन चाकू से चूजों को मारते हैं। मारने के बाद चूजे के जिगर का निरीक्षण किया जाता है। यही जिगर तय करता है कि शादी की तारीख कब रखी जा सकती है। आपने कभी सुना है कि एक लड़की की शादी किसी जानवर के साथ हो जाए? आपको ये सुनकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये सच है। दरअसल झारखंड में एक लड़की की शादी एक आवारा कुत्ते से कर दी गई। खास बात यह है कि यह शादी महज औपचारिकता नहीं थी। शादी के दौरान सभी विधि विधान को पूरा किया गया। इस कुत्ते को शादी के लिए बाकायदा कार से लाया गया। इसके बाद कुत्ते को दुल्हन के पास बैठाया गया और फिर रीति रिवाज के साथ शादी शुरू हो गई। दरअसल ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से उसके होने वाली पति की मुसीबतें इस अजीब शादी की वजह से टल जाएंगी। देश दुनिया में शादी विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन विवाह के दौरान कई ऐसी रस्में होती हैं जो बहुत दिलचस्प और अजीब होती हैं। यूरोपीय देश इटली में भी कुछ इस तरह की प्रथा है। यहाँ शादी करने जा रहे जोड़े को पहले नदी के ऊपर स्थित पुल पर लाया जाता है, फिर उन्हें एक ताले से लॉक कर दिया जाता है।
दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया में भी शादी के दौरान कुछ ऐसा होता है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। यहाँ के टीडोंग जनजाति एक ऐसी परंपरा का पालन करती है जिसमें नवविवाहित जोड़ों को अपनी शादी के 3 दिन और 3 रात वॉशरूम का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पुरुषों को 2 शादी करनी पड़ती है और इसे इनकार करने पर सजा मिलती है। अफ्रीका महाद्वीप के इरिट्रिया में हर पुरुष को 2 शादियां करनी होती हैं। यहां 2 पत्नी रखने का अनोखा कानून बना हुआ है। यदि कोई पुरुष 2 पत्नियां नहीं रखता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और उसे जेल तक जाना पड़ सकता है।